welcome to our youtube channel educatory inspire greatness hello student i am nikita agrival in the last lecture we had studied about the topic embryogeny of monocot and dicot plant in today's class we will discuss about the topic polyembryony and parthenocarpy so students आर फर्स्ट टॉपिक ऑफ today's lecture इज़ पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है पॉली एम्ब्रियोनी कैसे आप लोग इस टर्म को डिफाइन करेंगे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बायोलॉजी में जो हम किसी भी टर्म को स्प्लिट करते हैं तो हमें उसका सेंस समझ में आ जाता है तो ये जो वर्ड है पॉली एम्ब्रियोनी ये दो वर्ड से मिलकर बनाए स्टूडेंट्स फर्स्ट वन इज़ पॉली पॉली मीन्स क्या होता है मोर देन वन और एम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है एम्ब्रियोस मतलब कि जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है किसी एक ओव्यूल में ही तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों उस प्रोसेस को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो पॉली एम्ब्रियोनी इज अ प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ टू और मोर एम्बरियोज अक्कर विद इन एन ओब्यूल मतलब एक ही ओब्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं तो हम उसको पॉली एम्ब्रियोनी कह सकते हैं ठीक तो अगर मैं बात करूं इनके इसकी डिस्कवरी की तो इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था प्रोफेसर लेवन हॉक ने 1719 में जब वो सिट्रेंस ऑरेंज के सीड को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले पॉली को ऑरेंज के सीड में ही स्टडी किया और अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो जो पॉली एम्ब्रियोनी है ये मोस्टली आपको जिम्नोसपम में देखने को मिलेगी जिम्नोसपम में लाइक जैसे आपका पाइनस है साइकस है जो अगर आप हिल स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे जिम्नोसपम देखने को मिलेंगे तो पॉलीस्पम पॉली एम्ब्रियोनी हमेशा बच्चों कहाँ मिलेगी आपको जिम्नोसपम में देखने को मिलेगी लेकिन कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म भी हैं जो पॉली एम्ब्रियोनी को शो करते हैं तो उन्हीं को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सो इन केस ऑफ एंजियोस्पम चार टाइप की डिफरेंट डिफरेंट पॉली एम्ब्रियोनी ऑब्जर्व की गई हैं तो आज की क्लास में हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे तो जो फर्स्ट टाइप की एम्ब्रियोनी है दैट इज योर मिक्स पॉली एम्ब्रियोनी उसमें क्या होता है तो उसमें क्या होता है बच्चों कि जो आपका ओव्यूल है उस ओव्यूल में एक एडिशनल पोलन ट्यूब क्या करती है एंटर कर जाती है और वो जो पोलन ट्यूब है जब वो सिनर्जिट या फिर जो आपकी एंटीपोडल सेल्स हैं इन सेल्स के साथ क्या करती है फर्टिलाइजेशन को शो करती है तो इस फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं तो इस तरीके की पोली को जब वहाँ पर क्या है एक एडिशनल पोलन ट्यूब एक्ट कर रही है तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों मिक्स पॉली कहते हैं और मिक्स पॉली को हम स्टडी कर सकते हैं इन केस ऑफ एलियम आप लोगों को दिखाया गया है एक फ्लार एलियम का जहां पर हम मिक्स पॉली को ऑब्जर्व करते हैं सेकेंड वन इज सेकेंड इज यम्ब्रियोनी क्लीविज पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है स्टूडेंट जैसा कि आप लोग नाम से समझ रहे हैं क्लीवेज क्लीवेज का मतलब ब्रेकेज जब कभी भी एक सिंगल जाइगोड या फिर मैं कहूं एक यंग एम्ब्रियो दो से ज्यादा पार्ट में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है तो हर एक पार्ट से एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों इसीलिए हम इसको क्लीवेज एम्ब्रियो भी कहते हैं और मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये मोस्टली आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है लेकिन अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की तो एंजियोस्पर्म में आपको निम्फिया या क्रॉटलेरिया में आपको ये देखने के लिए मिलेगी थर्ड वन इज एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी तो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है बच्चों तो इसमें क्या होता है कि जब आपका न्यू न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट इन दोनों में से किसी से भी जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी तो इसकी एक और बड़ी ख़ासियत यह है कि क्या होता है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो जल्दी ही क्या होता है कि जो एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक है ये उस एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक में एंटर कर जाता है और एंटर करने के बाद ये क्या करता है जो हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ था उस एंडोस्पर्म के नरिशमेंट में हेल्प करता है इसलिए ये क्या है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट्स तो ये जो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी है इसको हम सिट्रस के केस में या मैंजिफेरा के केस में या यूजेनिया के केस में देख सकते हैं आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर शो किया गया है कि किस तरीके से एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में जो एम्ब्रियो हैं वो अराइज होते हैं लास्ट वन इज़ सिंपल पॉली अब सिंपल पॉली एम्ब्रियोगनी में क्या होता है कि सिंपल वाली में जो आपका एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रियोसेक की प्रेजेंस की वजह से ही जो एम्ब्रियोसेक है वो फॉर्म हो जाता है तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा है सिंपल कहा है क्योंकि इसमें खुद के एम्ब्रियोसेक की वजह से ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपके ब्रेसिका फैमिली के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में मोस्टली सिंपल पॉली को ऑब्जर्व किया गया है तो बच्चों हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्थिनो कापी का क्या होता है पार्थिनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बच्चों बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है नॉर्मल केसेस में हम लोग क्या देखते हैं नॉर्मल केसेस में हम देखते हैं कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के संग फ्यूज करता है तो वहां पर जाइगोड बनता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट्स होंगे बच्चों जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी ठीक तो ये जो प्रोडक्शन है फ्रूट का इस प्रोसेस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1902 में सबसे पहले इसको 1902 में क्या किया गया था लोगों के सामने लाया गया था और अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो जो पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स हैं इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता जैसे आपका सबसे पहला मैंने आपको बताया एनोना स्क्वामोसा आप लोग देख सकते हैं फिगर फर्स्ट में आप सभी ने ये फ्रूट खाया होगा इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ दैट इज एक्टिडिया आर्ग्यूटा थर्ड वन इज कुकुमिस सेटाइवर्स एंड द फोर्थ वन इज एलाइस ओलिफेरा एंड द लास्ट वन इज सिट्रस क्लीमेंटाइन तो ये सारे आपने कभी ना कभी खाए होंगे बच्चों तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? हैं ये बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के सो बच्चों अभी हमने देखा कि कौन कौन से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं जो आप लोग खाते हैं तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों हम पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स को बना रहे हैं या क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं वो इसलिए बच्चों की जो पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स होते हैं इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ पर जो फ्रूट होता है उसके अंदर बीज होता ही नहीं है मतलब आपको जो फ्रूट मिलेगा वो कैसा है बच्चों सीडलेस है उसमें सीड है ही नहीं इसीलिए हम इसको वर्जिन फ्रूट्स भी कहते हैं तो ये जो पार्थिनोकार्पी है ये भी दो तरीके की है बच्चों एक तो है नेचुरल पार्थिनोकार्पी एक है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी आपको नेम से इसके पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है चलिए आइए अब हम इसको समझते हैं कि नेचुरल पार्थिनोकार्पी क्या है या फिर मैं कहूँ इंड्यूस पार्थिनोकार्पी क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल पार्थिनोकार्पी की अगर मैं नेचुरल पार्थिनोकार्पी को डिफाइन करना चाहूँ या उसके प्रोसेस को समझना चाहूँ तो इट इज द प्रोसेस इन विच सीडलेस फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम ओवरीज इन द एबसेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन विदाउट एन ए स्पेशल ट्रीटमेंट तो इसका मतलब क्या है बच्चों इट मीन्स कि अगर ओवरी में फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है विदाउट पोलन ग्रेन क्यों क्योंकि तो जब पॉलिनेशन नहीं हुआ तो जो पोलन है वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे नहीं और जब पोलन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तो पोलन क्या करेंगे जो आपका ओव्यूल है वहां तक नहीं जाएंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा और अगर फर्टिलाइजेशन के बिना ही आपका फ्रूट फॉर्म हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे नेचुरल पार्थिनोकार्पी कहेंगे लेकिन नेचुरल पार्थिनोकार्पी में हम क्या है हम फ्लावर को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे ये अपने आप हो रहा है नेचर में हो रहा है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों इसीलिए हम इसको कहते हैं नेचुरल पार्थिनोकार्पी और जो ये नेचुरल पार्थिनोकार्पी है वो आपको ग्रेप्स में देखने को मिलती है बनाना में पाइन में ऑरेंज में इन सब में आपको ये देखने के लिए मिलती है तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो नेचुरल पार्थिनोकार्पी है उसमें कौन कौन से फ्रूट इन्वॉल्व थे अब हम देखते हैं कि जो नेचुरल पार्थिनोकार्पी है इस नेचुरल पार्थिनोकार्पी से जो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी है ये किस तरीके से डिफर है तो आप इंड्यूस जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज को फोर्सफुली कराना अगर हम अपनी डिजायर के लिए किसी भी चीज को फोर्सफुली करा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे इंड्यूस करना किसी को जबरदस्ती कराना तो यहाँ पर बच्चों होगा सेम वही कि जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो नहीं होगा जब पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो पोलन जो है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा लेकिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी में जो आपका फ्लार है उससे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिसकी वजह से पार्थिनोकार्पी को क्या किया जाता है इंड्यूस किया जाता है मतलब अपने डिज़ायर फ्रूट को पाने के लिए हम इसको अपनी इच्छा से कराते हैं अपने हिसाब से कराते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं इंड्यूस पार्थिनोकार्पी कहते हैं अब ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ये स्पेशल ट्रीटमेंट है क्या तो बच्चों इसमें होता क्या है कि अगर हम फ्लार पर अब हमने क्या किया कोई फ्लार लिया और उस फ्लार पर हम पोलेन ग्रेन का एक्सट्रैक्ट निकाल कर वो स्प्रे कर दें या फिर कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स हैं जो कि फ्लार की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं जैसे कि आई ए ए आप लोगों ने सुना होगा इंडोल एसिटिक एसिड या फिर एन ए ए या फिर जी ए इनमें से किसी भी हार्मोन को अगर हम उसमें स्प्रे कर दें तो जो फ्लावर है उसमें क्या होगा जो सीडलेस फ्रूट्स हैं उनकी अमाउंट क्या होगी वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे तो यहां पर अगर हम इनमें से कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं इंड्यूस पार्थिनोकार्पी कहते हैं आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा नेचुरल में क्या है जो नेचर करा रहा है उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन अगर हम इंड्यूस पार्थिनोकार्पी की बात करें तो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी में हम अपने डिजायर के लिए सीडलेस फ्रूट को फॉर्म कराते हैं और अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आजकल मार्केट में आप लोग देख रहे हैं सीडलेस लेमन है सीडलेस

ह्यूमन रिप्रोडक्शन की किस तरीके से जैसे हमने फ्लार के केस में रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मोड को स्टडी किया है ठीक उसी तरीके से अब हम ह्यूमन में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं उसमें उस सब को स्टडी करेंगे सो स्टूडेंट्स आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों तो अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू